हम लोगों के स्वागत में शेर भैया बैठे हुए हैं, इतना मस्त एकदम पोज मार के बैठा हुआ है भाई। हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार राजगीर ट्रिप के एक नए ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग राजगीर ट्रिप का सभी ब्लॉग को इंजॉय कर रहे होंगे, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो जू सफारी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में मैं जू सफारी का फुल टूर देने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि मेरे अंदर कितना क्रेज है, मैं कब से यहाँ पे आया हुआ हूँ। ये तो मतलब थोड़ा सा लाइट आया तब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले से ही मतलब इससे 20 मिनट पहले मैं आया हूँ, अभी तो 5:45 हो रहा है। भाई लोग जैसा भीड़ आप लोग कल नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज के लिए देख रहे थे ना, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं बस 10-20 मिनट में ही अब एंट्री स्टार्ट होने वाला है, टिकट मिलने वाला है और यहाँ पे बस इतना ही भीड़ है। तो इसके लिए जितना हम एक्साइटेड थे उतना ज़्यादा भी भीड़ नहीं है। सो टेंशन फ्री होके आइए, आपको आराम से टिकट मिल जाएगा। अगर आप 9 बजे तक एंट्री के टाइम पर भी आते हैं तो आपको टिकट मिलने वाला है, देख सकते हैं। वैसे जो दिन मैं आया हूँ वो संडे नहीं है, तो इस वजह से भी भीड़ कम हो सकता है। भाई लोग आप लोगों को यहाँ पे अंदर में गाड़ी पार्किंग का व्यवस्था किया गया है, सो इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, आप लोग टेंशन फ्री होकर आइए। दोस्तों यहाँ पे आपको टिकट लेना है, ये टिकट लेते हैं उसका प्राइस आप लोगों को बताते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अभी हम लोग टिकट लेके अंदर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया वहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन टिकट लग रहा था, कुछ इस टाइप का टिकट है आप देख सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप लोग देख सकते पीछे ना, और वहाँ से आपको मेन स्लॉट का जो बुकिंग होता है 150 रुपया वहाँ पे लगेगा, वहाँ पे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, सबसे पहले आप लोग कुछ शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद आपसे डायरेक्ट वहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों मैंने आपको सिनेमैटिक शॉट्स या जो भी शॉट्स बोली है उसके थ्रू जो दिखाया, यहाँ पे बस वही 5 एनिमल आपको देखने के लिए मिलता है, शेर, बाघ, चीता, हिरन और भालू। तो चलिए अब टिकट ले लेते हैं वहाँ से और अंदर चलते हैं, उसके बाद वहाँ से जो ट्रैवलर हम लोगों को ले जाएगा सब कुछ दिखाते हैं। सो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, चलिए चलते हैं टिकट लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा लाइन हो गया है शॉर्ट्स लेने के चक्कर में, बट क्या करें, आप लोग के लिए करना पड़ता है। भाई साहब बहुत लंबा लाइन हो गया यार। तो दोस्तों एंट्री करने से पहले आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, ये जो जू सफारी है ना ये मंडे को क्लोज रहता है और बाकी 6 डेज ओपन रहता है। और यहाँ जो ओपनिंग जो टाइमिंग है वो एंटर होता है 8:30 या फिर 9 बजे से, उसके लिए आपको पहले ही आकर लाइन में लगना पड़ेगा। और ये बंद होता है शायद 5 बजे, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो टिकट का जो लिमिटेशन है ना वो 1000 ही है, तो इस चीज़ को देखते हुए आप सुबह ही आ जाइएगा और लाइन में लग जाइएगा ताकि आपको टिकट मिल जाए और आप आसानी से जू सफारी कर सके। भाई लोग मैंने अपना टिकट ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसका प्राइस 150 रुपया है और अपना जो स्लॉट मिला है वो 10 से 11, यहाँ से मेन एंट्री है। चलिए एंट्री करते हैं।
चलिए ठीक है, अभी आप लोग इंटरेस्ट प्लाजा के पास ही रखिए। ओके सर, ओके। दोस्तों जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर देखने को मिलता है, व्याख्यान केंद्र। चलिए अभी इसके अंदर चलते और आपको दिखाते हैं। जब आप लोग सफारी इसे घूम लेंगे तो फिर यहाँ रिटर्न आएंगे तो ये आपका एंट्री टिकट है, जिससे आपको लेफ्ट साइड 3D थिएटर लगा हुआ वो घूम लेंगे और फिर अंदर में म्यूजियम है, अंदर ही बटरफ्लाई है वो भी घूम लेंगे। ठीक है, जाइए आप आगे से राइट ले लीजिएगा। ठीक है, आप लेफ्ट लीजिए समय पे। भाई लोग अपने साथ है, सारे भाई लोग जा रहे हैं, इन लोगों का भी 10 से 11 है स्लॉट, तो चलिए इनके साथ में ही मजा आने वाला है, मजा आएगा ना। चलिए अब अंदर चलते हैं और एनर्जी के साथ में भाई ट्रैवलर में सफर करने वाले हैं, उनके ड्राइवर साहब हैं। अपना नाम बताइएगा सर। प्रहलाद राज आनंद। प्रहलाद राज, आप यहाँ शुरू से ही हैं? व्हाट डे, मतलब यहाँ पे कितना टाइम आ जाते होंगे इसमें अंदर? घूमते रहते हैं। अरे घूमते ही रहते हैं इसी में? बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, पूरा एकदम देखते रहिएगा। देखिए भैया, हाय हाय सबसे पहला जो केज है वो हिरन वाला केज ही है, तो हिरन वाला केज में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद एक और एंट्री गेट। आई होप कि आपको हिरन देखा होगा, देखिए हिरन तो देखे ही होंगे, जो मेन मजा है लायन का देखने का। ये है बारहसिंगा हिरन। हिरन यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है, आई होप कि ऐसे ही सब एनिमल दिख जाए। माता पर जो रख रहे डंडा, आलू वाला सेक्शन है। लोग डियर सफारी को प्रवेश करने वाले हैं। ये जो हमारा जू सफारी है ये टोटल 191 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये जो डियर सफारी है आपको 20 हेक्टेयर में मिलेगा। हमारे पास जो भी है स्लॉथ बियर है, इन्हें रिच भी कहा जाता है, मनोरंजन भालू भी कहा जाता है। ये दो है यहाँ पे, एक भोला है दूसरा छपरी है। मैं जो भोला है उसको खीर काफी पसंद है, जो छपरी है उसको दाल रोटी पसंद। अच्छा, छपरी? हाँ छपरी, छपरी वाले को दाल रोटी पसंद है। हाँ, तो जगह काफी बड़ा है, मात्र दो ही है, इसलिए आप लोग को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। जब ये जंगल में होते हैं तो इंसेक्ट्स को खाना पसंद करते हैं, टारमाइट्स को खाना पसंद
करते हैं, साथ ही साथ शुगर केन उसके बाद हनी बीज को खाना पसंद करते हैं। आप लोग अपने नजरों को चौकन्ना रखे, हम दिखाने का पूर्ण प्रयास पे जो आ रहा है ना, वो जो मूवमेंट कर रहा है वो है छपरी, और यहाँ पे जो है वो है भोला भालू। दोनों तो सेम ही है। अभी हम लोग टाइगर सफारी में आ चुके हैं। अभी हम लोग टाइगर वाले सेक्शन में अंदर जा रहे हैं। आई होप कि दिख जाए, अगर दिखेगा तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे। भाई साहब टाइगर तो दिख ही नहीं रहा है यार, पता नहीं दिखेगा भी या नहीं। लगभग अब पूरा खत्म होने वाला है, बट टाइगर तो दिखा नहीं। अरे यार टाइगर दिखा, कोशिश करने के बाद भी टाइगर भाई ने अपना फेस नहीं दिखाया। डिसअपॉइंट कर दिया यार टाइगर भाई तुमने। चलिए अब आगे देखते हैं, शायद लेपर्ड या लायन कुछ भी दिख जाए। चलिए अब लायन सफारी में एंटर कर रहे हैं, देखते हैं लायन दिखता है या नहीं। भाई लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेन एंट्री गेट पे ही हम लोगों के स्वागत में शेर भैया बैठे हुए हैं। इतना मस्त एकदम पोज मार के बैठा हुआ है भाई। ओह मजा आ गया, शेर भाई एकदम खुश कर दिए यार तुम तो। पागल बन रहा है, देखो खूब के दिमाग नहीं काम कर रहा कि हंस रहा है। राहुल शायद आपको दिख रहा होगा वहाँ पे मुंडी हिला रहा है। राहुल ओहो दिख जाओ यार, और नहीं दिखा। सब बाउंड्रिंग के पास में जाके सट के बैठा हुआ उधर में छाया में। हमारे लॉयन सफारी में टोटल 6 शेर हैं, जिसमें 2 शेर हैं बाकी सारे शेरनी हैं। जो शेर होते हैं उनके झुंड को प्राइड बोला जाता है। अरे हम तो देख ही रहे, कैमरा में नहीं दिख रहा है ना। भाई लोग शेर देख के मजा आया कि नहीं? शेर भाई दिल खुश कर दिया यार। बाकी टाइगर नहीं दिखाया, देखते हैं अब आगे हम लोग को लेपर्ड दिखता है या नहीं। मजा आ गया भाई शेर देखकर। एक ट्रैवलर बस अभी अंदर से आ रही है, चलिए अब हम लोग एंटर करेंगे। लेपर्ड वाला सेक्शन में अंदर एंट्री कर चुके हैं, देखते हैं कि लेपर्ड दिखता है कि नहीं। टाइगर तो डिसअपॉइंट किया है, लेकिन फिर भी अगर लेपर्ड दिख जाएगा तो मजा आ जाएगा भाई। भाई लेपर्ड भी नहीं दिखा यार, ना टाइगर दिखा ना लेपर्ड दिखा, और लायन भी दिखा तो बस 1 ही 2 दिखा, और 4 लायन भी नहीं दिखा। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ही रहा, मजा आता ना।
हाँ जी, अभी हम लोग वाइल्ड लाइफ या जू सफारी आप कह सकते हैं करके आ गए हैं। चलिए अब चलते हैं, 3D यहाँ पे शो चल रहा है उसको देखते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3D थिएटर दिया गया है, यहीं पे 3D शो चलाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है, चलते हैं देखते हैं और आपको दिखाएंगे जब अंदर जाएंगे तो। चीज़ है भाई, यहाँ पे जो है ना ये जो सीट दिया गया है ना ये वाला, ये आगे पीछे हो रहा है, एडजस्ट टेबल है, स्लाइडिंग है, एकदम मस्त है ना भैया। आप आगे पीछे कर सकते हैं, एकदम बढ़ा के जितना आप कंफर्टेबल हो उतना पे करके बैठिए, एकदम मजा लीजिए। एकदम लग रहा है कि एकदम मूवी थिएटर में आ चुके हैं अभी हम लोग। चलिए बाहर चलते हैं। ओ, अगर आप लोग यहाँ आते हो ना तो थिएटर में जरूर आना भाई। क्या थिएटर बनाया है, मतलब 250 रुपये में। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे पुष्पा के जगह जो है नॉलेजेबल वीडियो चल रहा है, जो कि जरूरी भी है। यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह के बारे में थोड़ा सा सबको जागरूक किया जा रहा है, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। आप लोग आइएगा एक बार जरूर। यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है, जो यहाँ पे वीडियो का क्वालिटी है, 3D एकदम मजानी लाइफ भाई, मस्त एकदम है। आप लोग आइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।